पंजाब में 2.5 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स मौजूद हैं और लाइसेंस सिर्फ 45 लाख लोगों के पास है। लाहौर में 75 लाख के करीब व्हीकल्स मौजूद हैं, लाइसेंस 7-8 लाख लोगों के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी उन व्हीकल्स को रखने का हक तो रखती है लेकिन अपना फर्ज अदा नहीं कर रही, यानी ट्रैफिक लाइसेंस के बगैर ये गाड़ियां चला रही है, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि यह लाइसेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। पहले ऐसा ही था, अब हमने खिदमत मरकज के अंदर इसकी फैसिलिटी दे दी है। हर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट जरूर होगा, वो वीडियो भी अपलोड जरूर होगी। आपको यह फैसिलिटी मेजर सिटीज में 24/7 और बाकी शहरों में डबल शिफ्ट में दी जा रही है। हफ्ते में 6 दिन दी जा रही थी लेकिन अब इसको बढ़ाकर सैटरडे नाइट को भी किया जा रहा है और इतवार वाले दिन भी बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि आपको बिना वजह छुट्टियां ना लेनी पड़े और अपना हक आपको बआसानी मिल जाए। अब आए एक फाइल की तरफ, मैं आपको एक फाइल दिखा रहा हूं। यह आपकी शायद जानी पहचानी फाइल हो, इसमें बहुत सारे कागज हैं जो आपसे फिल कराए जाते थे। आपके आईडी कार्ड की कॉपियां मांगी जाती थी, इंटरनेशनल के लिए पासपोर्ट की कॉपियां मांगी जाती थी, तस्वीर मांगी जाती थी। इस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, इस फाइल की अब आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना CNIC और अपनी फीस, जो मुजवजा फीस है, वो लेके खिदमत मरकज में जाए। किसी सिफारिश के बगैर आपको आपका हक दिया जाएगा। और हां, यह भी याद रखिएगा कि गाड़ी आप अपनी यूज कर सकते हैं, हमारी गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं। बुनियादी टेस्ट जिससे पता चल जाएगा कि आप गाड़ी चला सकते हैं या चला सकती हैं। 24/7 ये फैसिलिटी हाजिर है और बेहतरीन अमला बेहतरीन माहौल में आपके लाइसेंसेस बना रहा है। लिहाजा ये लाखों लोग जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें सिफारिश और रिश्वत के बगैर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आइए पंजाब पुलिस को अपनी खिदमत का मौका दीजिए, हम हाजिर हैं किसी फाइल के बगैर, किसी फोटोकॉपी के बगैर, सिर्फ आपके कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ पंजाब पुलिस।